यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद लगातार सुर्खियों में है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक की पत्नी और बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह चुके हैं कि पुलिस कभी भी अतीक और उनके बेटों का एनकाउंटर कर सकती है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अतीक के दो शूटरों अरबाज और उस्मान को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। वहीं कई विपक्षी पार्टियों के नेता अतीक, उसके बेटों और अतीक के मददगारों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये जानते हुए भी कि अतीक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने अतीक अहमद को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। हरि नारायण की माने तो अतीक को जेल से निकाल कर उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अतीक का एनकाउंटर करेगा, भविष्य में उसके लिए स्वर्ग का सीधा दरवाजा खुल जाएगा। राजभर ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटरों का एनकाउंटर होना चाहिए। हरि नारायण राजभर ने आगे कहा कि अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या की साजिश रची और साजिश करके हत्या कराई। अतीक अहमद ने सैकड़ों हत्याएं की हैं, गरीबों की जमीनें लूटी हैं। अतीक अहमद को आज एनकाउंटर का भय है। अतीक अहमद को जेल से निकालकर उसका एनकाउंटर करना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था कायम रहेगी। अतीक अहमद का जो अधिकारी एनकाउंटर करेगा, भविष्य में स्वर्ग का सीधा दरवाजा खुल जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा था कि पुलिस अतीक के एक बेटे को एनकाउंटर में ढेर कर सकती है, जिसे लेकर पूर्व बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि राम गोपाल यादव ने अपनी सरकार में अपराधियों को जन्म दिया है, उन्हें अपराध करना सिखाया है, ये आज भी इन अपराधियों के समर्थन में बोल रहे हैं। बता दें कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है और अब प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम आया है। टाइम्स ऑन अ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।